गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आर्गोनोमेट्रिक के और कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द कैटालिटिक सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय मोनोसेंट्रो प्रोसेस इज। चलो ऑप्शन है आपके चार ऑप्शंस, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये जो है अभी कुछ समय पहले दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछा गया है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका मोनोसेंट्रो प्रोसेस होता है उसका, जिसमें हम एसिटिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH3I2RHI2CO2- माइग्रेशन ऑफ CH3 ग्रुप टू CO, ठीक है, एक माइग्रेशन दिखा रहा है, एक लॉस ऑफ CH3COI फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ CO2RHI3COCO CH3-। क्या करता है ये, कौन सा स्टेप्स हैं इसमें जो जो कि आपका इस पूरे कैटालिटिक रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। कोई बताना चाहेगा, कोई पढ़ा है, ओके चलो क्या आएगा आंसर, कैसे भावना पढ़िए ना मोनोसेंटो, नहीं तो ये बचा था नहीं पढ़िए इसको। चलो ठीक है, हाँ तो ये जो मोनोसेंटो प्रोसेस होता है ये एक्चुअल में क्या है, एक मेथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाने का एक मेथड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल कार्बोनाइलेशन बोलते हैं, इसमें मेथेनॉल पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ता है इसीलिए मेथेनॉल कार्बोनाइलेशन प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है। इसको मोनसेंटो प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कुछ जनरल रिएक्शंस इससे बता देता हूँ, कैटालिटिक साइकिल को डिस्कस कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर है आपका वो होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH3I2RHICO2- ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, मोनोसेंटो प्रोसेस का जो ऑक्सीडेटिव रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला स्टेप होता है। अच्छा ये जो मोनोसेंटो प्रोसेस है जिसमें एसिटिक एसिड बनाया जाता है मेथेनॉल से, ये मोनोसेंटो प्रोसेस में जो यूज होता है कैटलिस्ट वो होता है रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट। और ऐसे ही एक और आपका जो है यूज होता है कैटलिस्ट वो होता है इरिडियम बेस्ड कैटलिस्ट, नाम सुने पर कटाइवा प्रोसेस, यस सर। तो ये जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है मेटल को यूज किया गया है इसमें मेथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाने के लिए। ये एक्चुअल में कोबाल्ट वाला सीरीज है, इसको कोबाल्ट भी कभी कभी यूज किया जाता है। तो कोबाल्ट वाला जो ग्रुप है आपका कौन रहेगा, इधर कोबाल्ट रोडियम इरिडियम ये जो है जनरली इस प्रोसेस में यूज होते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मोनोसेंट्रो प्रोसेस में कौन होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक क्या है आपका, रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट। अगर ये 2019 में तुमको क्या पूछा है मोनोसेंट्रो प्रोसेस का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो बहुत जल्द वो ये पूछेगा इरिडियम बेस्ड जब प्रोसेस होगा दैट इज कटाइवा प्रोसेस होगा तो उस पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, क्योंकि सेम नहीं होगा वो डिफरेंट होता है। तो जब अगर डिफरेंट होता है तो वहां पर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि देखो ये जो आपका इरिडियम बेस्ड आपका मोनसेंटो प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, इरिडियम बोलो रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट यहाँ पर इस मोनोसेंट्रो प्रोसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी
प्रोसेस या फिर ये बोल दीजिए कि इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक और आपका जो है प्रोसेस डेवलप किया गया, जिसे क्या बोलते हैं कटाई वा प्रोसेस, ठीक है। और लेकिन कटाई वा प्रोसेस जो है वो इरिडियम बेस्ड जो है आपका कैटलिस्ट यूज होता है। हाँ इतना सिंपल, ये पूरा मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं किया है, मोनसेंटो प्रोसेस से मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने क्वेश्चन कहाँ से कर दिया, इनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। एक लाइन लिखा है, ये जो आपका सेवर एट अगर आप खोलेंगे तो एक लाइन लिखा है, उस बीच के लाइन से वो पिक किया है क्वेश्चन की, अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर रोडियम बेस्ड सिस्टम इज ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ आयोडोमेथेन। और अब अगर क्वेश्चन आया यहाँ से आगे तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, यही प्रोसेस अगर इरिडियम बेस्ड सिस्टम पर हो, लेकिन इरिडियम बेस्ड कैटलिस्ट के साथ हो, तो उसके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, इसको याद रखना, बहुत चांसेस हैं कि आगे वाले साल में ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही पिक हो जाए। ओके याद रहेगा, ठीक है। अच्छा अब अच्छा देखिए, अब मैं आपको आगे और इस प्रोसेस को पूरा मैं डिस्कस करता हूँ, मोनसेंटो प्रोसेस। इस अगर प्रोसेस को अगर आप देखोगे तो ये आपका जो ए है, ये ए जो है वो आपका रोडियम बेस्ड एक कैटलिस्ट है, और इस रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट में ये रिएक्शन कर रहा है CH3I के साथ, कर रहा है भाई, ठीक है। अब जब ये CH3I के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या ये आपको रोडियम, जो आपका रोडियम कैटलिस्ट है, के स्क्वायर प्लेनर दिख रहे हैं? अरे इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बोला पूरा 16 अच्छे से काउंट कर रहे हो, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट?18 अरे फिर जब 16 बोला तो 18 में आ गए। अच्छे से काउंट कर, अच्छे से काउंट कर, क्या 16 इलेक्ट्रॉन है ही? नहीं है। ओके, तो कैसे आप लोग एकदम हड़बड़ा जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, और ये जो है इसका जो 18 इलेक्ट्रॉन रूप को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज, और सिंपल सी बात है कि इसके प्लेनर लोग 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को फॉलो रूप को फॉलो करते हैं, लेकिन ये एक बढ़िया सा कंडीशन क्रिएट कर रहा है, जब ये CH3I के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या ये ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जो प्रोडक्ट बना है, उसमें आप देख रहे होंगे कि ये मिथाइल ग्रुप और ये आयोडीन ग्रुप, कौन बताएगा कि कौन सा आयोडीन है? ये जो वेज और डेस में आयोडीन है वो वाला आयोडीन है, CH3I वाला है, कि ये नीचे मेंशन किया वो है? सर शीश में एडिशन होगा तो नीचे वाला नहीं होगा। सीस में। अच्छा ये बता कि ये सीस एडिशन करेगा कि ट्रांस, सीस करेगा कि ट्रांस एडिशन करेगा? सर ये पोलर है तो ट्रांस होगा। पोलर है तो ट्रांस होगा। तो ये जो है दोनों एम और एमई और आई जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, वही आपके यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन में इन्वॉल्व हुए हैं। समझ आया? तो क्या आपको दिख रहा है, क्या ये दो नंबर, दो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दो आगे बढ़ गया। पहले वाले में कितना था ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 कि +2 कि क्या, यस सर, कौन बताएगा? +1, यस वन। वेरी गुड। इसमें है आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसमें जो है ये कन्वर्ट हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी दो नंबर में बढ़ गया और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी दो संख्या में, दो यूनिट में बढ़ गया। नेक्स्ट स्टेप ध्यान अगर आप दे रहे होंगे तो इसमें देखिए, क्या आपको CO जो है माइग्रेट, CO इंसर्शन सुने नहीं? कौन माइग्रेट करता है? एल्काइल, एल्काइल माइग्रेशन।
सीओ का इंसर्शन हो गया देखिए यहाँ यस पर, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये सेकंड स्टेप जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है माइग्रेटरी इंसर्शन को। और माइग्रेटरी इंसर्शन से मिथाइल ग्रुप जो देखिए अपने सीस वाले सीओ के साथ जा करके जुड़ गया। ओके अच्छा, अब देखिए ये सी तो बन गया माइग्रेटरी इंसर्शन से। नेक्स्ट स्टेप में अब ये वैकेंट साइट बना दिया ना, यहाँ पर वैकेंट साइट बन गया। अब उस वैकेंट साइट पे इनकमिंग सीओ जो है आ सकता है क्या? देखिए यहाँ पर ये जो आपका सीओ है वो इसके साथ आकर के जुड़ गया। एक पूरा प्रोसेस मैं बताया हूँ, लेकिन ऐसे साइकिल में ना बता करके मैंने एक एक प्रोसेस को आपको ये स्टेप में समझाया है, ठीक है। हाँ अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो क्या ये एक एसाइल ग्रुप सीओ एमी और आपका आयोडीन ग्रुप रिडक्टिव एलिमिनेशन कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या ये अपने फिर से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? दो कोऑर्डिनेशन नंबर की कमी हो गई क्या? फिर से ये कैटलिस्ट फॉर्म में आ गया यस सर। क्या? और यहां पर आपका क्या बन गया अल्टीमेटली? CH3COI, या फिर यहाँ पर ये बोल सकते हो कि कार्बोनिल ग्रुप से एक आयोडीन जो है जुड़ा हुआ है। अच्छा लेकिन यहाँ पर आपका एसिड बना है क्या? हम तो भाई एथेनोइक सॉरी एसिटिक एसिड बना रहे थे, तो ये जो आयोडीन है उसको रिप्लेस कर देता है OH ग्रुप। इसके जब हाइड्रोलिसिस कर दो आपका H के साथ आयोडीन मिलकर के HI बना लेगा, और आपका जो OH है इस आयोडीन की जगह जब जुड़ जाएगा तो क्या ये यही है CH3COOH? यही है। यस लेकिन अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो तुम ये क्वेश्चन जो होता है ना उसमें क्या होता है, ये एक्चुअल में ये मेथेनॉल जो होता है ना MEOH, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको CH3OH, इसमें आपका रिएक्शन करता है ये कैटलिस्ट, और या आप ये बोल दो कि मोनसेंटो प्रोसेस, मोनसेंटो प्रोसेस, उससे आपका CH3COOH बनता है। अब बताओ यहाँ पर मेथेनॉल में कार्बोनिल इंसर्ट हो गया क्या? मेथेनॉल में यस कार्बोनिल इंसर्ट हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं मेथेनॉल कार्बोनाइलेशन। मेथेनॉल के ऊपर कार्बोनाइलेशन हो गया, कार्बोनिल जाके जुड़ गया, और ऑब्वियस सी बात है इससे क्या बन गया एसिड बन गया एक। ओके और आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो मेथेनॉल है MEOH, ये जो HI बना था HI उसके साथ रिएक्शन करके वाटर बाहर कर रहा है और मिथाइल आयोडाइड बना रहा है जिसको हम आयोडोमेथेन बोलते हैं, और इसी आयोडोमेथेन के साथ ये जो आपका रोडियम का जो आपका कैटलिस्ट है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन में इन्वॉल्व होता है। कोई दिक्कत? ये आपको मोनसेंटो प्रोसेस समझ आया क्या? तुमको पूछेगा क्या बताऊं, वो क्या क्वेश्चन पूछता है, और वो पूछता है कि सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस बताओ प्रोसेस का। जो मैकेनिज्म आपका ऑपरेट हो रहा है, मैकेनिज्म सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म क्या है, सीक्वेंस कौन बताएगा? मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन फर्स्ट में एडिशन ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन इंसर्शन माइग्रेटरी इंसर्शन, देन रिडक्टिव रिडक्टिव एलिमिनेशन एलिमिनेशन,
हमने बहुत बार, थोड़ा हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि हमने बहुत बार ऐसी चीजें पढ़ी, जब हमने साइकल्स वगैरह पढ़े, प्रोसेसेस वगैरह पढ़े, उसमें चाहे वो सोनू घसीटा पढ़ रहे थे, स्टाइल कपलिंग पढ़ रहे थे, बहुत सारे हमने प्रोसेस पढ़े, कपलिंग रिएक्शन भी पढ़े, ठीक यस है। तो वहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है फर्स्ट में था और रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है लास्ट की तरफ था, यहाँ भी देखो वही छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डाउट होता है तो एक बार आपके माइंड में आना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है शुरू में होते थे और रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है लास्ट में होते थे। ओके, ये एक आपका एकदम एग्जैक्ट मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बट हमने ऐसा देख, अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप ऐसा कुछ पा रहे हैं। ओके, आपको क्वेश्चन बताऊँ वो कहाँ से पूछा था? वो क्वेश्चन पूछा था कितने प्यार से उन्होंने इस पूरे फिगर को, क्या वो क्या बोलता है कि ये साइकिल को ना सब पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो है ना ये इसको उठाते हैं, इसके नीचे का जो लाइन लिखा है ना एक लाइन, उसको उठा लेते हैं। कौन कौन बच्चा इसको ध्यान दिया है वो ये देखता है। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड विथ रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप दैट इज ए से बी जो जा रहा है वो आपका क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और तुम क्वेश्चन को देख सकते हो कितने प्यार से ये जो है क्वेश्चन को बना दिया, और ये जो ऐसे 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 लिखा है, अगर इसी को स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में लिखा रहता ना तो हम लोग कुछ दिमाग भी लगा लेते, आधे लोग तो क्या करेंगे, अरे क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आया क्या? अरे हो जाएगा, थोड़ा फोकस रहोगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। यस चलो, बहुत यस बहुत ट्रेंड में है ऐसा क्वेश्चन ना, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, यही चल रहा है। मैं तुमको 2011 का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, 12, 14 और 16, 19 ये सब तेरे दिखेंगे, तो वो खुद पता चल जाएगा कि कैसे वो जो है आगे अपने लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2012 का देखो क्वेश्चन कैसा है। 2012 में वो पूछ रहा था, देखो ये जो हम अभी बोल रहे थे ना वो 2012 का पूछ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली आर। इतना अच्छा काम किया था उस टाइम, वो पूछा तो अच्छा था बट उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में ही मैकेनिज्म दे दिया। अभी क्या बोलता है वो सीधा मोनसेंटो प्रोसेस का ऐसे लिख देगा, मोनसेंटो प्रोसेस, वाइकर प्रोसेस, ठीक है, हाइड्रो फॉर्मुलेशन प्रोसेस, इन सब का मेरे को सीक्वेंस बताओ मैकेनिज्म का। लेकिन जब 2012 में वो क्वेश्चन किया था तो ये बढ़िया पूरा साइकिल को दिखाया था, इतना वो अच्छा था कि वो साइकिल दिखा दिया। अब उस साइकिल दिखा करके ये पूछा कि ए बी और सी है वो क्या है बताओ करके। समझ आया क्या? 2012 में वो ऐसे क्वेश्चन करता था, क्या आएगा बताओ इसमें, मैं पूछूंगा आपको। चलो तो देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, तुमको क्या पता चल रहा है, और ये रिएक्शन मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ। यस सर यस क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए, तो मैं ये जो टिक लगाया हूँ ना वो ए आंसर है करके नहीं लगाया हूँ, मैं ये बता रहा था कि ये पूछेगा, ठीक है। हाँ चलो बता, हाँ सर नहीं सिटी ऑप्शन नंबर, जीरो सजेशन कौन कौन बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए? एक आंसर जो है आ गया, दो दो आंसर आ गए, भावना और दिली, और बाकी लोग क्या बोलते हैं? कैसे श्रद्धा? अरे देखो पी डी एल टू, अरे कपलिंग वपलिंग रिएक्शन क्या क्या पढ़ते थे उसमें, बहुत ज्यादा मैं इसका एग्जांपल बताया हूँ आपको, ठीक है, याद आ रहा है क्या? 16 से सीधा किसमें, 14 पैलेडियम के पास सीधा दो लिगेंड रिमूव करने की टेंडेंसी, याद आ रहा है? एक्टिव स्पीसीज पी डी एल टू। हाँ तो भाई जिनको याद नहीं आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा
स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, कॉपी में नोट करने से बस नहीं होता, ठीक। चलो, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये क्या लिखा है, PHI, ये जो है एक कोऑर्डिनेटिवली इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और उसके साथ साथ जो है ये कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, दैट इज ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी इंक्रीज कर सकता है, दैट इज इट इज परफेक्ट कंडीशन फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन। अरे कैसा होगा ये ऑक्सीडेटिव एडिशन, सीस होगा कि ट्रांस होगा? सीस होगा कि ट्रांस होगा? अरे सीस, फिर सीस। अरे ये इस आ रही है, ये आ रही। अरे पोलर है, होना चाहिए था उसको ट्रांस, लेकिन हाँ, यस लेकिन ये खुद देखो, ये तो दो ही लिगेंड रखा था, PbL2 दो ही लिगेंड था, इसलिए तुम बच जाते, क्योंकि तो इसमें तो स्क्वायर प्लेनर जब बनाया गया ये तो भाई ये तो सभी सीस होंगे। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है और अगर वो पोलर है तो उसका कैसा एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन, ठीक, ऐसे रिवाइज किया जाता है। ओके हाँ, अब देखो सेकेंड, अगर मैं कंडीशन जाऊं तो अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ इसको, पहला स्टेप मेरा पक्का ऑक्सीडेटिव एडिशन है, क्यों? क्योंकि तो पैलेडियम का जो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 से +2 चला गया, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 2 नंबर में बढ़ गया, तो तीसरा और चौथा तो सवाल ही नहीं उठता कि ये ऑप्शन सही हो जाए। काटोगे पहले, क्या करोगे पहले, कैंसल करते यस चले जाओगे आप, पहले कैंसल करो क्वेश्चन ऑप्शंस, उसके बाद आप फाइनल आंसर की तरफ मूव करोगे। अब पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन बी सही होगा। अब अगर हम सेकंड स्टेप को अगर पकड़ लें या थर्ड स्टेप को पकड़ लें तो आपका काम हो जाएगा क्या? क्योंकि तो दोनों जो है वेरी कर रहे हैं ऑप्शंस, तो आप तो एक ही पकड़ लो, हम तो तीनों डिस्कस करते हैं। देखिए बी में क्या हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ बी में कि ये जो आपका फिनाइल है अभी भी जुड़ा हुआ है, L2 भी जुड़ा हुआ है, लेकिन I जो है वो आपका I रिप्लेस हो गया है इस ग्रुप के द्वारा। तो क्या यहाँ पर एक ग्रुप जो है एक मेटल से दूसरे मेटल में ट्रांसफर हो रहा है? ये जो SM टीन मेटल जो था, टीन मेटल से जुड़ा हुआ जो ग्रुप था वो पैलेडियम मेटल के साथ जा करके अटैच हो गया, क्या हमने इसको हमने पढ़ा है अच्छे से कि ये जो है एक ट्रांस मेटलेशन। बहुत बहुत जगह इसमें इस टर्म को यूज किया हूं जब मैं कपलिंग रिएक्शन पढ़ा रहा था, ठीक। हाँ, अब अगर यहाँ पर ये अगर ट्रांस मेटलेशन होगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, बट देखो क्या थर्ड स्टेप जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन है, तो थर्ड स्टेप में देखा जाए तो यहाँ पर ये जो आपका फेनाइल ग्रुप है और ये आपका डबल बॉन्ड ग्रुप है, ये दोनों बाहर निकल रहे हैं, और जब ये बाहर निकलेंगे तो पैलेडियम जो है फिर से 2 कोऑर्डिनेशन नंबर की कमी हो गई, ये +2 से फिर से 0 में चली गई, दैट इज इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन के साथ साथ एलिमिनेशन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है भी? नमस्ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो गिफ्ट, जानते हो गिफ्ट, ठीक है, उपहार CSIR की तरफ से 2014 जून, क्वेश्चन नंबर 40, द टाइपिकल टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल सेंटर फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन, कहाँ लिखाया हूँ, प्रॉपर्टीज, कौन बताएगा? नेट क्या क्या, डी एट और एक और अरे और डी एड तो मैं तुमको मैं ट्रिक भी बताता हूँ, चल वो डी एड दोनों में होता है। रिडक्शन
रिडक्टिव एलिमिनेशन में भी होता है और ऑक्सीडेटिव एडिशन में भी होता है। वो डीएट के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनता है? तो इतना तो जान जाते होंगे, इतना तो याद आ रहा होगा कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, डी जीरो तो बिल्कुल नहीं होता ऑक्सीडेटिव एडिशन। अरे भैया, डी जीरो लोग तो कभी ऑक्सीडेटिव एडिशन में इन्वॉल्व ही नहीं होते। दे कैन नॉट गिव ऑक्सीडेटिव एडिशन। अरे इलेक्ट्रॉन ही कहाँ है उसके पास जिसको वो रिमूव करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। ऐसा आप पढ़े हो क्या? डी ऑप्शन, D5 और D10 बिल्कुल नहीं पढ़े हो। तो मैं आपको नहीं बता देता हूँ, इन बी और सी में से एक आंसर आएगा, एक रिडक्टिव एलिमिनेशन का है कंडीशन और एक ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। अब कौन बताएगा कि बी ऑप्शन से है कि सी ऑप्शन से है? और डी एड दोनों में है देखो, और डी एड दोनों में मैं लिखाया भी हूँ तुमको। सर। और उस टाइम बोला भी था तुम कंफ्यूज हो गए, क्या तुम याद कर पाओगे इसको? एक को याद करना, दूसरे को याद करोगे तो कंफ्यूज हो गए, एक को याद करोगे तो दूसरा तुमको मुफ्त में आएगा तुम्हारे पास। वैसे भावना नहीं आधार सर। हाँ, और ऐसा क्वेश्चन है जिसको तुम छोड़ के भी कभी नहीं आओगे। देखा जाएगा भगवान की दया हुई, देवी माता की कृपा हुई तो सही, नहीं तो गलत, क्योंकि छोड़ के तो नहीं आओगे। दो ऑप्शन कट कर दिए हो तो कैसे? अरे अरे ये बता मेरे को, रिडक्ट डीटेन क्या? डीटेन डी टेन वाला? हाँ एकदम ध्यान। कंफर्म याद नहीं। अरे मैं तुमको कंफर्म याद कराता हूँ, कौन मैं तुमको कंफर्म याद कराता हूँ। देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं क्या? दो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं क्या? सा? यस अब जब ये डी में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भर गया है तो क्या तू तो इसको कहाँ भरेगी बता? है D6 वाला होएगा। ये तो समझ आया, D6 वाला होएगा बोल रही है ये लड़की। ठीक है, इतना जल्दी मतलब चेंज कर रही है। अरे मैं ये बता रहा हूँ बच्चा कि ये जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, रिडक्शन होता है, तो जब पहले से 10 इलेक्ट्रॉन भर गया है तो कहाँ रखेगा जगह है? अरे ऑक्सीडेटिव तो हो सकता है फिर। हो सकता है ना, तो तू देख के, मैं तो वही बता रहा हूँ तुमको, तुम कंफर्म कैसे होगे करके कि D10 वाला तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन में इन्वॉल्व हो सकता है। ऑक्सीडेशन में क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अच्छा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो अमीर रहेगा वही तो दान करेगा है? समझ आया? तो कौन होता है? D8 एंड D10, D8 एंड D10 आर टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन, याद रहेगा। और ये जो D6 है, D6 इसका कॉम्बिनेशन बनता है किसके साथ? D8 के साथ, तो ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन। अरे अगर कंफ्यूज हो गए तो देख लेना, रिडक्टिव एलिमिनेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास जगह ही ऐड कर सकता है, कोई दिक्कत? और 10 में जो जगह ही नहीं है तो ये कहाँ से ऐड करेगा? हाँ लेकिन निकाल सकता है। अब बेचारा D6 क्यों निकालेगा है? तुम ही बताओ, एक तो वैसे ही कमजोर है वो इलेक्ट्रॉन्स के मामले में, और क्यों देगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स? कोई दिक्कत? अरे कंफ्यूज हो गए तो ये कॉन्सेप्ट लगा पाओगे, इतना कॉमन सेंस लगा पाओगे? चलो ठीक, तो ऑप्शन नंबर C ठीक है, आगे बढ़ूं? सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 13 का, क्वेश्चन नंबर 34 आया कितने में है? 2 नंबर में। क्या रिएक्शन? द रिएक्शन, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है उसका सीओ के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है और ये बन रहा है, वो पूरा रिएक्शन ही करा दिया एकदम से पूरा। तो पूछ रहा है
बस बता दे कि ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि माइग्रेटरी इंसर्शन माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन। अरे सीओ जब इंसर्ट होता है देख लेना, मैग्नीज के साथ अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है सो दे कैन माइग्रेट टू फॉर्म वैकेंट साइट। लिख दूं क्या इसको? अरे लिख दूं, ऐसे में तुमको मजा नहीं आ रहा था। नहीं दिख रहे सर, क्या है ये? ऐसे में दिखेगा क्या? ये लो एमी, यही है क्या? रिएक्टेंट, यस सर। रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करा रहा है वो कार्बोनिल का। हमने कार्बोनिल का इंसर्शन पढ़ा है क्या, जिसमें तीन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे? ठीक है, डायरेक्ट सर। इंसर्शन, कार्बोनिल का माइग्रेशन, एल्काइल माइग्रेशन, और लास्ट में हमने क्या पाया था कि कौन माइग्रेट करता है? एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है, एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करता है। याद है क्या किसी को? बहुत यस सर। बढ़िया, ये आपका एमी ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? वैकेंट साइट। अब वैकेंट साइट पर ये जो है सीओ अटैक करेगा और यहाँ पर वो जुड़ जाएगा। जो प्रोडक्ट बना है ना तुम्हारा, वो प्रोडक्ट अब बन जाएगा। सीओ 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 एंड सीओ, यहाँ पर जो वैकेंट साइट है उसमें कौन जुड़ जाएगा? ये जो ब्लू कलर वाला सीओ इनकमिंग सीओ है, और मेथाइल ग्रुप का इसमें कन्वर्जन हो गया ये एसाइल ग्रुप में। ओके, क्या रिएक्शन है ये? ऑप्शन हाँ नंबर, प्रोडक्ट देख लो, यही बना है क्या प्रोडक्ट? ऑप्शन नंबर डी, माइग्रेटरी इंसर्शन। दो नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम? अब देखना, 2011, ये 2011 12 13 का बता रहा हूँ ना, अब 2011 का देखो क्वेश्चन और बताओ मेरे को क्या आंसर होगा। दी ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप्स आर फेवर्ड बाय। वही पहले क्या है, पहले पूछता था कि तुम इसको पहचानते हो क्या? अब जब पहचानते हो तो उनका कुंडली जानते हो क्या? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आज। ठीक है, वो पहचान वहचान पहले हो चुकी है 2012 13 14 ही में। ठीक, क्या होगा आंसर? अरे डी बी फॉर बॉम्बे के डी फॉर दिल्ली। सर। हाँ, डी सर। लास्ट ऑप्शन। डी यस सर। वेरी गुड, चलो लास्ट ऑप्शन क्या बोलता है? अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं क्या? हाँ दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्टिव एलिमिनेशन में टू इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? गेन करता है। यस तो बताओ भाई, अरे कौन लोग देंगे? हैं, दानी वही हो सकते हैं जो अमीर होंगे। अब ऐसा मत बोल देना सर कि मतलब अमीर ही लोग दानी नहीं है, वो अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वही तो तुम्हारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, दैट इज जो गरीब होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही तो टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। सो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यस वेरी गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2014 का। 2014 में
ये क्या बोल रहा है, द कंपाउंड दैट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू इज, ये लो मजे ले लिए। चलो बताओ इसमें कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं तुमको जो एच टू के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन को फेवर करेगा। कॉपी में तुम्हारे नोट है, और कॉपी में जो नोट नहीं किया होगा अलाली किया होगा उसको मैं पीडीएफ में सेंड किया हूँ। क्या होगा कैसे श्रद्धा, दिमाग काम कर रहा है? क्या लगता है कैसे सर नंबर थर्ड होगा क्या? हेलो क्या होगा? सर, कौन कौन बोल रहा है थर्ड? कंफर्म कंफर्म नहीं हूँ सर, लेकिन शायद थर्ड। क्यों नहीं हो रहे हो आप लोग, क्यों भटक रहे हो कॉन्सेप्ट से? अब मैं तुमको ये बताऊंगा, एक ही ऑप्शन तो सही होगा। अरे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, कंडीशंस कितने बार तुमको मैं कितने स्टेप्स में मैं मेंशन करवाया हूँ कि ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस फेवर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। क्या ये तुम्हारा, ऐसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा आईआर, ठीक है, सीओ अलग से लिख दो ऐसे, तभी दिखेगा आई आर, और ये PPS3, ठीक है, और ये CL, और ये CO, कौन है ये? हाँ कौन है ये? का कॉम्प्लेक्स समझ आया? कितने टू रिएक्शन पड़े वर्क का कॉम्प्लेक्स का? हाइड्रोजिनेशन, CH3I के साथ रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हो। अरे ऑक्सीडेटिव एडिशन में सर। इसी को ही तो पूरा तुम्हारे अजय कुमार के बुक का पूरा इसका क्वेश्चन मैं तुमको नोट करा दिया था। क्या ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? क्या ये स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज है? स्क्वायर प्लेनर लोग क्या गुड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करते हैं? क्या 16 इलेक्ट्रॉन वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑक्सीडेटिव एडिशन से 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं? क्या यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है और जिसका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं? अरे यही तो है वस का कॉम्प्लेक्स। तो क्या क्या लगता है तुमको ये पूछेगा कि वस का कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन देता है कि नहीं देता करके? सब बता देंगे देता है करके। वो ये पूछ रहा था कि कौन से ऐसे जो हैं लोग हैं जो ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब वो वस का कॉम्प्लेक्स को तुमको पहचानवा रहे थे, कि पहचान पाते हो क्या? ठीक है कोई दिक्कत? नो मैं ये पूछूंगा तुमको कि जब ये ऐसा पूछ सकता है तो क्या अगले बार तुमको इसका प्रोडक्ट नहीं पूछ सकता H2 के साथ, और ऑप्शन बनाएगा वो, ऑप्शन बनाएगा ये आपका PPS3 और H, और यहाँ पर H PPS3 COCl, और एक ऑप्शन बनाएगा, चलो मैं एक ऑप्शन ये बना देता हूँ, और एक ऑप्शन बनाएगा वो
CL CO H H PPS3 कौन सा सेकंड कौन सा सर श्रद्धा सही बोल रही है क्या है? अफसाना है क्या अफसाना? सर हाँ क्या सही है कि गलत है क्या क्या बोल रही है? ए आएगा कि बी आएगा? नॉन पोलर है ना तो सिस साइड में जुड़ेगा हाँ मतलब ऐसे रिवाइज करना चाहिए। क्या आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हो कि जब सिस एडिशन होता है तो सॉरी पोलर नॉन पोलर का एडिशन होता है तो वो सिस पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और जब पोलर लोग होते हैं तो ट्रांस मैकेनिज्म हम पढ़े हैं क्या कि भाई अगर वो नॉन पोलर है तो बॉन्ड टूटेगा नहीं तो एक साथ कंसर्टेड अप्रोच करते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म से तो इसलिए सीस और पोलर है तो वो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेटल का कैरेक्टर जानते हो आप लोग सब उसके अकॉर्डिंग जो है वो अटैक करता है। तो मेरे ख्याल से इस सबको मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ आगे बढ़ते हैं। 2016 इसमें पूछा गया है दी फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको रिएक्शन दिया गया है उसका प्रोडक्ट भी बताया गया है। वो तो ये पूछ रहा था कि पहचान मैं कौन हूँ क्या मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन हूँ क्या मैं इंसर्शन हूँ क्या मैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हूँ क्या मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन हूँ। तो जो ये पढ़ा नहीं होगा ये चारों जो रिएक्शन मैकेनिज्म वो बना पाएगा क्या इसको? और जो पढ़ा होगा वो इतने आसानी से बनाएगा इसको कि सवाल ही नहीं उठता क्या होगा? सर थर्ड क्या बात है भावना? ठीक है ओएमसी में पूरा कमांड आ गया मतलब क्या लगता है बाकी लोग सुनने आए हो? अरे कुछ तो बोलो यार कैसे करते हो होएगा सही होगा। क्या होता है बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन? सर बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो जाके मेटल से अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा? इसको मैं अगर ऐसे मेंशन करूं तो ध्यान देना सपोज ये जो है आपका सपोज क्या वही वही कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये आपका RH हो गया और ये यहाँ पर फास्फोरस वाला PPS3 जुड़ गया और ये है आपका CH2 और इधर जुड़ा हुआ है आपका CH3। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH3 है क्योंकि ऐसे जब लिखूंगा सर तो आसानी से दिखता है कि ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है और बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है अब ट्रांसफर हो जाएगा मेटल पर और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये प्रोडक्ट देखो ऐसी बनेगा क्या? अरे कोई दिक्कत? और इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर में ना। तो ये क्या है बीटा हाइड्राइड का एलिमिनेशन हो गया। क्या बोलते हैं इसको? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो कितने बार पूछेगा बेचारा ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा कोई दिक्कत? ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस देख लो कॉम्प्लेक्स क्या दिख रहा है विथ PME3 दैट इज ट्राई मिथाइल फॉस्फिन दी मेन इंटरमीडिएट इज क्या बनेगा बताओ? तो अगर ऐसे लिखे रहोगे इसको और ऐसे ऑप्शन को देखोगे तो ऐसे लगता है क्या लिखा है कुछ उर्दू उर्दू या फिर कुछ चाइनीज वाइनीज भाषा में लिखा है कि क्या बना है कैसे बना है। लेकिन मेरे ख्याल से
अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं, एफ ई और ये ईटा फाइव, ये लो, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, सीओ थ्री, यस सीओ और सीओ, अरे समझ आएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो कितना होता है? एटीन कितना है? एटीन 18। मैं हमेशा बोलता हूँ तुमको कि जब ऐसे रिएक्शंस या फिर कॉम्प्लेक्स दिए हैं तो तुम वो इलेक्ट्रॉन को जरूर काउंट कोशिश करने की कोशिश किया करो, और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देखने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको ऐसे लग रहा होगा, अरे चार ही दिख रहा है सर, ऐसा नहीं है, हेप्टिसिटी देख लेना। दूसरी चीज, 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, डायरेक्ट एडिशन तो नहीं होगा। क्या होगा? डायरेक्ट एडिशन तो नहीं होगा। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है? PME3 के साथ। तो पहले स्टेप में क्या करता है, और हमको तो मुस्कुराना चाहिए कब, जब हम ये देखें कि मेटल के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और उसमें कार्बोनिल प्रेजेंट है, दैट इज माइग्रेटरी इंसर्शन। जी और जब माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो क्या बनेगा? सेकंड साइड एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एफ ई, और ये हो गया आपका बेंजीन साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग, और यहाँ पर आपका वैलेंट साइड बन गया, और ये आपका क्या हो गया, सीओ, और ये आपका सीओ, और ये CH3 जो है यहाँ माइग्रेट कर गया। वैकेंट साइड जनरेट हो गया क्या? ये वैकेंट साइड जनरेट होगा क्या? यस अब जब वैकेंट साइड जब जनरेट हो गया तो इस वैकेंट साइड पर अब कौन आ सकता है? PME3। तो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा? FeCO यहाँ पर जुड़ जाएगा PME3, PME3, और ये हो जाएगा आपका CO CH3। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसे? ईटा 5 तो सब में है, देख लो, ईटा 3 ऑप्शन देख के काट दोगे, दो तो ऑप्शन कितने। मैं तो यहाँ अभी देखो, मैं खुद यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ज्यादा नोटिस नहीं कर पाया था कि ये ईटा 3 भी ऑप्शन दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि भाई ये ईटा 5 से ईटा 3 क्यों जाएगा, भला एरोमेटिसिटी लॉस करेगा क्या? ये ले, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें डायरेक्ट एडिशन करा दिया है क्या? देखो इसको, CH3 अलग जुड़ा हुआ है, ए ऑप्शन में CH3 अलग जुड़ा हुआ है, दो तो कार्बोनिन है और PME3 को भी जोड़ दिया। अरे कितना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ये? 18 था तो 18 से क्या 20 बन जाएगा ये? अरे समझ आ रहे हैं? तो मैं तो क्या करता, पहले इन पूरे कॉम्प्लेक्स का ना इलेक्ट्रॉन काउंट कर देता। अरे 20 इलेक्ट्रॉन भैया, ऐसे कैसे? ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर बी ही प्रोडक्ट बनाया हो क्या? देख लो, CO CH3 और एक CO। ठीक है, हाँ, तुमको ऑप्शन में क्या नहीं दिख रहा होगा? PME price, बिकॉज इट आस्किंग अबाउट मेन इंटरमीडिएट। ओके, अरे ठीक, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, 2015 में कंटिन्यू दो ऑर्गेनोमेटेलिक का ये क्वेश्चन पूछा था, 34 नंबर में और 35 नंबर में। 34 में पूछ रहे, द रिफ्लेक्शन ऑफ RHCl3 हाइड्रेटेड, ये आपका एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स है RHCl3 विथ एन एक्सेस ऑफ PPS3 ट्राइफेनिल फॉस्फिन और हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है इन एथेनॉल गिव्स अ कॉम्प्लेक्स ए, वो कॉम्प्लेक्स ए बनाता है।
कॉम्प्लेक्स ए एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑन रोडियम आर रेस्पेक्टिवली, तो कॉम्प्लेक्स ए बताओ और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बताओ, क्या रिएक्शन करा लोगे। और एक है द बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन विल बी फिसाइल इन, इन चारों में ए बी सी डी में कौन सा ऐसा जो वो है रिएक्टेंट है या कॉम्प्लेक्स है जो बीटा हाइड्रोजन को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सकता है। बना सकते हो कि मैं सॉल्व करूं? देखो इस क्वेश्चन का तुम इम्पोर्टेंस क्या आएगा भावना, देखो अगर आप आर एच सी एल ट्राइस 3H2O इसको जब बॉइल कराते हो एथेनॉल में, बॉइलिंग एथेनॉल, बॉइलिंग एथेनॉल किसके साथ, एक्सेस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एक्सेस में, तो ये जो आपका फॉस्फिन है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है, ये बनाता है आर एच सी एल पी पी एच थ्री ट्राइस, आर एच सी एल पी पी एच थ्री ट्राइस, और उसके साथ साथ और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो पी एच थ्री पी डबल बॉन्ड ओ प्लस टू एच सी एल प्लस टू एच टू ओ। अच्छा यहाँ पर ये जो आपका एक कॉम्प्लेक्स बना उसमें रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस वन। मजेदार बात ये है कि ये जो है विल्किंसन कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट, तो ये एक विल्किंसन कैटलिस्ट बनाने के मेथड को तुमको पूछ लिया ट्रिकी वे में। ओके इलेक्ट्रॉन मैं काउंट करूंगा, इलेक्ट्रॉन मैं काउंट करूंगा, कहां पर दिख रहा है आपको ये आर एच सी एल पी पी एच थ्री ट्राइस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब ऑप्शन नंबर ए में 16 इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 18 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसको टिक करोगे? ऑप्शन नंबर ए, अरे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है काउंट कर लो, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके अच्छा सेकेंड को देखिए, सेकेंड क्या आएगा, सेकेंड आई मीन जो 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या लगता है ए। इसको तो कई बार पढ़े हो के, अभी जस्ट पीछे पढ़ेंगे, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, ठीक है। अच्छा अगर मैं ध्यान दूं यहां पर इसको मैं अच्छे समझा दूं कि ये जो है यहां पर ये मेटल
मीटर, और ये ऐसे है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, यही है, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। एक्चुअल में ये जो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में ये हाइड्रोजन का ही तो शिफ्ट होता है कि हाइड्राइड फॉर्म में। सर। वेरी गुड। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है उसी के थ्रू तो ये डोनेट डोनेटिंग पावर इसका हो रहा है, आई मीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही तो वहां पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर डोनेट इन दिस रिएक्शन। समझ आया? तो अब बताओ कि ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, चाहे वो डबल बॉन्डेड हो, क्यों, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है क्या, यहाँ पर ये जो है sp3 कार्बन है, ये जो है sp2 कार्बन है, और ये भी क्या है आपका sp2 कार्बन है, ठीक है, और ये आपका sp कार्बन है। ओके, अब बताओ कौन सा बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है। कौन सा बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड एक सेकेंड ना, क्या बोलते हो? अरे क्या जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है sp के साथ जो s होता है, हाइड्रोजन का s, sp के साथ जब s ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है, तो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ से जुड़ा रहता है। sp2 से s, देन sp3 से s। तो जो वीक बॉन्ड कौन है, sp3s वाला, तो कौन आसानी से टूटेगा भाई, जो वीक है वही टूटेगा, दैट इज जो सिग्मा डोनर एबिलिटी है, दैट इज क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी एट सिग्मा बॉन्ड इज, वो क्या होगा, उल्टा, जस्ट sp s का सबसे कम, sp2s का उसके बाद, देन sp3s का सबसे ज्यादा। तो कौन सा बॉन्ड वीक है, sp3 वाला, तो सबसे आसानी से कौन जो है हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, sp3 से जुड़ा वाला। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? यस ऑप्शन सर। नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट ऑफ रिएक्शन, और एक टेट्रा कार्बोनिल निकिल का एक कॉम्प्लेक्स है, फॉस्फिन के साथ रिएक्शन, और ट्राइफिन फॉस्फिन का फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है फोटॉन के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट भी दिखा दिया तुमको, इतना अच्छा है, ये NiCO3 PpS3 प्रोडक्ट भी बना दिया, CO को बाहर निकाल दिया। पूछ रहा है कि ये कौन है, आई मीन एक ऐसे मैकेनिज्म है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इसको इफेक्ट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सिर्फ निकिल के कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन इफेक्ट करेगा, या फिर फास्टिन का, या स्टेरिक बल्किनेस जो है फास्टिन का वो इफेक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, बताओ। अरे बोलो यार,
क्या रिएक्शन हो रहा है? क्या रिएक्शन हो रहा है? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, ये PPS3 जो है एक कार्बोनिल को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो किस टाइप से होगा बताओ? निकेल N9 CO4 कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर 8 है तो डिसोसिएटिव होगा पहले, एटीन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? है। हाँ वेरी गुड, अगर 18 है तो ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, सॉरी कैसे कहना, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से क्या करेगा ये? मैकेनिज्म से पहले CO को माइनस करेगा, और जब CO माइनस करेगा तो ये क्या बनाएगा? N9CO3 कितने में कन्वर्ट होगा? 18 से 16 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर यही स्टेप जो है स्लो होता है। अब जैसे ही आपका ये ए बन जाता है, आई मीन ये 16 इलेक्ट्रॉन किसी बन जाता है, उसके बाद PPS3 जो है इसके साथ रिएक्शन करके N9 CO3 PPS3 में कन्वर्ट हो जाता है। देन इट बिकम्स 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स अगेन। ओके, और ये जो रिएक्शन है वो फास्ट होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा जिसमें CO जो है रिमूव हो रहा है, आई मीन CO जो है एलिमिनेट हो रहा है, और इसमें जो है किसका कंसेंट्रेशन बस भाग ले रहा है? कॉम्प्लेक्स का। सो इट फॉलोड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ NiCO4 ओनली। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। चल आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा द रिएक्शन ऑफ NiCO4 फिर से विथ लिगेंड एल, लिगेंड दिया हुआ है PMe ट्राइस या फिर आपका OMe ट्राइस, यील्ड NiCO3L, फिर से वही बात हो गई क्या? यस सब्स्टिट्यूशन सर, रिएक्शन हो डिसो गया। द रिएक्शन इज डिसोसिएटिव। वेरी गुड। तो मेरे को इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, देख लो 2011 और 2012 वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2012 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? क्या इसको भी समझाना पड़ेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन वाला है तो पहले ये रिमूव करेगा एक CO, फिर जो है वो लिगेंड जो है उसके साथ एसोसिएट होगा। समझ आया? ये कुछ रिएक्शन थे, ज्यादातर मैंने आज कोशिश की कि रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन जो है कवर किए जाए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे, कुछ ट्रिकी थे और कुछ जो है मेमोरी बेस्ड थे, जो कि एकदम देखते ही आपको मैं क्लिक कर जाएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं।